हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन। आज ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब एक वैकेंसी आती है, वो 5 साल चलती है, उसके बाद यहाँ पर अब नॉर्मलाइजेशन ऐसा स्टार्ट हुआ है, ये शुरू हुआ है जिसमें नंबर 40 से 50 बढ़ जाते हैं या 40 से 50 नंबर आपके घट जाते हैं और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है। 200 में से 200 नंबर लेकर आ रहे हैं आप, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? क्या 200 में से 500 नंबर लेकर आएगा क्या आप बच्चा? जब जिसको सिलेक्शन चाहिए वो 200 में से 500 नंबर लेके आएगा तब उसका सिलेक्शन होगा क्या? 88% का कट ऑफ का जाना क्या बच्चा क्या करेगा अब है? तो आप सभी को अब रुकना नहीं है बिल्कुल भी, इन सभी के खिलाफ आवाज़ उठानी है। हैशटैग आपको चलाना है, ट्विटर पर चलाना है, मोदी रोजगार दो, है ना? तो आप सभी इसमें जुड़िए। देखिए अभिनय सर, गगन प्रताप सर, राकेश सर, सब कुछ, सब जो सारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े सारे टीचर्स हैं, वो सब इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। अब आपको साथ देना है। पहले ही वो वैसे तो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है अभी ये जो हैशटैग है मोदी रोजगार दो, लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है। और इस बार हर चीज़ का सॉल्यूशन हमें चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आपको यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस वैकेंसी का एग्ज़ाम का पेपर दोबारा करा दिया तो अब वहीं पर रुक गए। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए हर चीज़ में, हर एग्ज़ाम में। आती है वैकेंसी, 5 साल चलती है, पूरा सरकार उसमें निकल जाती है, फिर दूसरी सरकार आती है, वो कुछ उसमें चेंज करती है, उस वैकेंसी को कैंसिल कर देती है, बस यही चलता रहता है। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप वैकेंसीज निकालिए, 1 साल के अंदर अंदर उसका आपको क्या करना है, सरकार को करना चाहिए 1 साल के अंदर अंदर पेपर करा के उसका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आती है वैकेंसी, रेलवे का पेपर पता नहीं कितने टाइम बाद हुआ, ऐसे कैसे चलेगा? अब SSC में आप देख लीजिए, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे 40-50 नंबर ऊपर नीचे, ऐसा कैसा पेपर सेट किया है? एक में इतना इजी और एक में इतना हार्ड, मुझे दे दो पेपर बनाने के लिए, सारे बिल्कुल लेवल वाइज सेट हो जाएंगे पेपर, पता भी नहीं चलेगा इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। ऊपर से जब आप क्वेश्चन, अगर आप उसको जब आपका क्वेश्चन कोई गलत आ जाता है वहाँ पर, ऐसे कैसे कंटेंट राइटर आपने बिठा रखे हैं, किन से क्वेश्चन बनवा रहे हो जिनसे क्वेश्चन का सही आंसर नहीं निकल रहा है, कैसे निकलवा, ऐसे कैसे क्वेश्चन बनवा रहे हो, ऐसा किस लेवल के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं? उसके 100 रुपये जब आप उसको क्या करते हो, आप चैलेंज करते हो क्वेश्चन को, उसके अलग से आप 100 रुपये देते हो, क्यों भाई 100 रुपये क्यों दे हम? गलती तुम्हारी, पैसा बच्चा भरेगा अगर वो चैलेंज करेगा तो क्वेश्चन को। पहले उसको फॉर्म के पैसे लिए जाते हैं, फिर चैलेंज जब वो करता है क्वेश्चन उसके पैसे लिए जाते हैं कि पैसे बट, ये वैकेंसी इसलिए निकाली गई है कि पैसे बटोरो और चले जाओ। और नौकरियां कितनी आती हैं? 10,000, मुश्किल से 10,000 आती हैं, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही हैं, बढ़ तो रही नहीं है नौकरियां, सरकारी नौकरियां, लेकिन उनमें कमी ही आती जा रही है। तो ऐसे कैसे बच्चे कहाँ, देश के बच्चे कहाँ स्टैंड करेंगे, कहाँ क्या करेंगे? मना कर दो उनको, आपको नहीं देनी है सरकारी नौकरी। अब यहाँ पर सभी बच्चों का साथ चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो ताकि सभी लोग हैशटैग यूज़ करें, हैशटैग MODI_ रोजगार, रोजगार की स्पेलिंग सही, ROJGAR रोजगार, हैश आपका अंडरस्कोर फिर DO2। ये आपको सभी को कैंपेन चलाना है ट्विटर पर, जितनी ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस कैंपेन को चलाइए। और 25 तारीख पे 11 बजे तो बिल्कुल आपको आग लगा देनी है, 25 तारीख को 11 बजे आप सभी को आग लगा देनी है एकदम। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, सभी टीचर्स आपके साथ हैं, लेकिन साथ में आपको भी यहाँ पर हमारे साथ लगना होगा। ये नहीं है जिसका सिलेक्शन हो गया वो बोलेगा हम क्यों दें, हम क्यों करें, ऐसा नहीं है। सभी को यहाँ पर ये जो हैशटैग है ट्विटर पर इसको चलाना है कैंपेन को, ये आप बात ध्यान रख लीजिएगा सभी बच्चे। अब इस बार रुकना नहीं है बिल्कुल, क्या मतलब कितनी वैकेंसीज आप निकाल रहे हो कि आप इतनी ज्यादा टाइम ले रहे हो?
बोर्ड में भी जब बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो मैनुअल कॉपियां चेक होती हैं, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगता है। सारे स्कूल्स में कॉपियां जाती हैं, सब कुछ होता है, उसमें भी नहीं लगता है, 1 साल से ऊपर थोड़ी लग जाता है। उसमें सारी कॉपियां मैनुअल टीचर्स चेक करते हैं, और यहाँ तो सब कंप्यूटराइज्ड काम होना है, कोई बैठ के कॉपियां थोड़ी चेक करनी है उनको। क्या करना है, ऑनलाइन पेपर हो रहा है, लेकिन उसमें भी धांधली हो रही है। ऑनलाइन पेपर क्यों कराया जा रहा था, ताकि उसमें धांधली ना हो, उसमें पेपर आउट ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें भी पेपर आउट हो रहा है। तो फिर क्या फायदा है ऑनलाइन पेपर कराने का, कहाँ जाएंगे वो बच्चे। तो इस कैंपेन को चलाइएगा, हमारा साथ दीजिएगा सभी का, ताकि ये जो रन है, ये जो सरकार तक ये बात पहुंच जाए, बिल्कुल इंटरनेशनली ये पहुंच जाए। तभी सरकार जागती है, जब बिल्कुल हद हो जाती है ना, तभी सरकार जागती है, उससे पहले नहीं जागती है। तो सभी को कैंपेन चलाना है 25 तारीख 11 बजे तो बिल्कुल सबको करना है, लेकिन अभी भी रुकना नहीं है 25 तारीख तक, ठीक है? ये बात ध्यान रख लेना सभी बच्चे, और हम सब आपके साथ हैं। सभी बड़े बड़े चैनल्स ने यहाँ पर मुहिम छेड़ दी है। अब तो जैसे अभी रेलवे के एग्जाम के लिए आपको पता है ट्विटर के पर कैंपेन चलाए जा रहे थे, सेम इसी तरह अब इसके एसएससी के एग्जाम के लिए, यहाँ पर अब मेन टारगेट आपका एसएससी का एग्जाम रहेगा। सभी गवर्नमेंट एग्जाम तो रहेंगे ही, लेकिन एसएससी का मेन रहेगा कि क्या है ये बच्चा, कितने नंबर लेके आए जो उसका सिलेक्शन हो जाए। 88% भी रफ नहीं है, मतलब अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है जब उसके 500 में जो उसमें टोटल 600 में से 600 मार्क्स आ गए, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, कितने नंबर चाहिए ऐसा आपको कि बच्चा सिलेक्शन ले ले? क्या नौकरी तो दे रहे हो आप, क्या चाह क्या रहे हो बच्चे से, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। आप सभी को बिल्कुल यहाँ पर अब डटे रहना है, बिल्कुल भी अपनी उससे हिलना नहीं है, दृढ़ शक्ति अपनी कर लीजिए कि हाँ अब हमें हिलना नहीं है, अब हमें जवाब चाहिए, बिल्कुल चाहिए, उससे पहले हम रुकने वाले नहीं हैं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बहुत चीजें देख ली अब हमने, बहुत एग्जाम, बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है। 17 का रिजल्ट नहीं है, 17 का बहुत मुश्किल से रिजल्ट आया है, 18 तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, 2020 का पहले आ गया, 18 का नहीं आया, 19 का नहीं आया, क्या चल क्या रहा है? जो एग्जाम बाद में दे रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहा है, जो पहले के बच्चे हैं उनका क्या होगा? बार बार फॉर्म ही भरते रहेंगे वो, बस तैयारी करते रहेंगे, यही रह गया उनके जीवन में काम। कितनी बार तैयारी करेगा कोई बच्चा, एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, कितनी बार करेगा तैयारी? तो अब आपको यहां पर अभी भी वैकेंसीज आ चुकी है, वैकेंसीज CHSL का एग्जाम होना है, CGL का होना है, GD का होना है, MTS की वैकेंसी आ गई है, लेकिन पहले का तो रिजल्ट दो, जब भी तो आप दूसरी वैकेंसीज निकालो, पहले का रिजल्ट नहीं दे रहे हो, दूसरे की वैकेंसी निकाले जा रहे हो, क्या है ये? और उसमें भी कितनी वैकेंसी निकाल रहे हो आप लोग, थोड़ा ध्यान दो बच्चों। सभी को कैंपेन चलाना है, अब मुहिम नहीं रुकनी चाहिए बिल्कुल भी। तो आपके साथ हैं हम सभी लोग, तो नीचे कमेंट करके जरूर यहाँ पर बताइएगा आपने कैंपेन चलाया या नहीं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, ठीक है? चलिए।